नमस्कार मित्रों, जीत क्लासेज की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत है, उनसे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमें घनत्व, तापमान, दबाव आदि के बारे में पृथ्वी के आंतरिक भाग की कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष तौर पर हमें भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्रियाओं से भी हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। अब किस किस प्रकार से कौन कौन सी जानकारी मिलती है वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले तो इसके जानकारी के स्रोत क्या है, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत भी तीन प्रकार के, कौन कौन से होते हैं तो देखो, प्रत्यक्ष स्रोत जिनसे हमें सीधी जानकारी मिलती है, अप्रत्यक्ष स्रोत और पृथ्वी निर्माण संबंधी परिकल्पनाएं। पृथ्वी निर्माण संबंधी परिकल्पनाएं, प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमें जानकारी मिलती है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंप में कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं, PSL। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानकारी देने वाली मुख्यतः तो दो तरंगे होती हैं, P और S। इन तरंगों की विशेषता होती है कि यह कुछ ठोस में चलने वाली होती हैं और कुछ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चलने वाली होती हैं। तो पी तरंगों की विशेषता होती है कि वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चल सकती है, लेकिन द्रव अवस्था में उनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। उस गति की कमी के कारण हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ न कुछ तरल अवस्था में पदार्थ विद्यमान है। इसके अलावा एस तरंगों से हमें जानकारी मिलती है कि यह द्रव के माध्यम से नहीं गुजर सकती, इसके कारण ये तरंगे क्रोड में नहीं पहुंच करके पहले ही विचलित हो जाती हैं। इस कारण ये छाया क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे भी हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, भाग के आसपास का बाहरी आवरण है उसमें तरल पदार्थ विद्यमान है। तो प्रत्येक स्रोत कौन कौन से है, पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी और अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भी हमें जानकारी मिलती है तीन तत्वों से। तीन तत्व कौन कौन से है, तो तापमान, दबाव एवं घनत्व। बात करते हैं पृथ्वी के घनत्व की। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पृथ्वी के भूप्रपटी से आंतरिक भाग में जाने पर हमें पता चलता है कि जिस जैसे हम जाएंगे तो पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होने की वजह से उसके दबाव में भी वृद्धि होती है, और दबाव में वृद्धि होती है तो घनत्व में भी वृद्धि होती है।
तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। किस प्रकार की संरचना? एक वर्गीकरण किया था रासायनिक आधार पर, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया था स्वेस मोदे ने। वर्गीकरण करने वाले थे स्वेस, और स्वेस ने किस आधार पर किया था? तो रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा, और तीन भाग कौन कौन से हैं इस प्रकार से ले लेते हैं। यह है पृथ्वी का केंद्र। अब देखो, केंद्र की गहराई है 6378 किलोमीटर, कहीं पे अन्य सोर्स में 6371 किलोमीटर भी मिलती है। इसने ऊपरी परत को सियाल के नाम से जाना, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। और दूसरा वर्गीकरण किया इन्होंने सीमा के रूप में, और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा है। और तीसरा इन्होंने निफ्य के रूप में वर्गीकरण किया, और निफ्य में निकल एवं फेरस तत्वों की प्रधानता है, निकल एवं फेरस। अब इससे ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की भूपर्पटी के आसपास ऊपर वाली जो ये वाली भूपर्पटी है, इसका औसत घनत्व 2.9 है, और जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे तो इसके घनत्व में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। बीच वाली परत का घनत्व हो जाएगा 6 से 7, और आंतरिक भाग का घनत्व हो जाएगा 10 से 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इससे एक और जानकारी मिली है हमें अप्रत्यक्ष स्रोत वाली, कि घनत्व पृथ्वी की भूपर्पटी से आंतरिक भाग केंद्र की ओर जाने पर इसके घनत्व में वृद्धि होगी। यह तो था स्वेज का वर्गीकरण। इसके अलावा और वर्गीकरण मिलता है हमें, उससे पहले देख लेते हैं आंतरिक संरचना जो जानकारी के स्रोत है उसमें भूकंप के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है। भूकंप के द्वारा हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी तरंगों के माध्यम से मिलती है। यह है पृथ्वी, और इसमें भूकंप आते हैं, तीन प्रकार के भूकंप आते हैं। एक तो छिछले क्षेत्रों के भूकंप, दूसरे हो जाएंगे मध्यम क्षेत्रों के भूकंप, और तीसरे हो जाएंगे गहरे भूकंप। जब भूकंप आएगा तब तरंगे उत्पन्न होगी, तो भूकंप से तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। वैसे मुख्य तो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक तरंगे और बाह्य तरंगे। आंतरिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी एवं एस। पी के भी और प्रकार आ गए थे, पीजी एवं पी स्टार, और एस के भी दो प्रकार हैं, एस जी एवं एस स्टार, एस जी एवं एस स्टार। इसके बाद दूसरी तरंगे आती हैं बाह्य तरंगे। बाह्य तरंगे में आती हैं एल तरंगे। इन तरंगों को धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है, धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है।
देखो, जैसे मान लो यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, यह है पृथ्वी का केंद्र, इसे हम कहते हैं क्रोड, इसे हम कहते हैं क्रोड, यह है क्रोड। यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, इसे कहा जाता है भूकंप मूल, भूकंप मूल इंग्लिश में कहा जाता है फोकस। यहां से सबसे धरातल का नजदीक स्थल होगा, वहां पे तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी और वो क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र। और इस अधिकेंद्र से धरातली तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन भूकंप मूल से दो तरंगे पी एवं एस की उत्पत्ति होती है। तो पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था में चल सकती है। यहां से तरंगों की उत्पत्ति हुई और ये इस प्रकार से बीच में द्रव्य पदार्थ आया तो इन तरंगों की दिशा विचलित हो जाती है और ये आगे और सीधी की सीधी चली जाती है इस प्रकार से। लेकिन इन तरंगों की क्या विशेषता होगी कि ये यहां से विचलित होकर के 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक इस बीच वाले क्षेत्र में नहीं गमन कर पाएगी, इस कारण ये पी तरंग का छाया क्षेत्र होगा, पी तरंग छाया क्षेत्र। पूर्वी और पश्चिम दोनों भागों में भी सेम की सेम कंडीशन बनेगी। यहां से 105 डिग्री से 145 डिग्री दोनों तरफ क्या बनेगा, पी तरंग छाया क्षेत्र। इन क्षेत्र में तरंगों के नहीं गमन करने के कारण हमें पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक क्रोड तो ठोस है, क्योंकि जिस समय ये क्रोड ठोस माध्यम से गुजरती है तो पृथ्वी के पृथ्वी से जो तरंगे निकलती हैं भूकंप के माध्यम से, वो तरंगे गति बढ़ा लेती है अपनी, और जिस समय द्रव अवस्था में बहती है तो उनकी गति धीमी चलती है, और गति धीमी चलने के कारण ये अपना स्थान से विचलित हो जाती है और विचलित होकर के एक निश्चित कोण पे 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में गमन नहीं कर पाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के आंतरिक क्रोड ठोस माध्यम की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके विपरीत एस तरंग से हमें, नेक्स्ट एस तरंग के बारे में बता देता हूं। एक दूसरा डायग्राम, यह है क्रोड, यह आंतरिक आंतरिक क्रोड के बाहर वाले हिस्से में जो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल का में तरल अवस्था में लावा और मैग्मा भरा होता है और यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही भूकंप ये तरंगे थोड़ी अपने स्थान से विचलित होती हुई आगे चलती हैं, क्योंकि ये प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं, जैसे ही ये द्रव अवस्था में आएगी तो ये अपना स्थान से विचलित हो जाएगी और द्रव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, द्रव में ये अवरुद्ध हो जाएगी। तो 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री पूर्व से पश्चिम दोनों ओर इनके बीच में ये गमन नहीं कर पाती हैं, जिस तरफ भूकंप की उत्पत्ति हुई उसके विपरीत बिंदु पर ये तरंगे गमन नहीं कर पाती हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो क्रोड के बाहर वाला भाग है वो तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ के कारण ये एस तरंगे है जो अपने स्थान से विचलित हो जाती है। यदि के अंदर है ये सेम, और इससे ये एस तरंग के छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। इससे ये बात एक निकल करके सामने आई कि तरल पदार्थ की वजह से ये एस तरंगे 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का क्षेत्र छाया क्षेत्र के रूप में निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा और भी सोर्स हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। तो अगला सोर्स है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी 750 किलोमीटर तक
उद्गारित होती है। इसके बाद की कोई हमें अभी तक जानकारी प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिली है, वैज्ञानिकों को नहीं मिली है कि 750 किलोमीटर से गहरे भी ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं। ये पृथ्वी का क्रोड है, इसके चारों ओर का जो भाग है इसमें मैग्मा सवन्य धाराओं के रूप में चलता है, और ये जो बाहरी आवरण है जो ठोस अवस्था में है, लेकिन जो आंतरिक भाग है ना ये द्रव अवस्था में है और सामान्य तरंगों के रूप में चलता है। जहां पे चट्टान कमजोर होती है वहां से ये लावा अधिक घनत्व की वजह से बाहर की ओर एक नलिका के माध्यम से विस्फोट होता है, और विस्फोट होकर के ये दो अवस्था में होता है, अम्ली और सारी अवस्था में। जो अम्ली लावा होगा वो तो शंकु या पर्वतों का निर्माण करेगा, और जो सारी लावा होगा वो प्राय पठारी भाग एवं मैदानी क्षेत्र का निर्माण करेगा। अब जैसे ही ये ज्वालामुखी का लावा उद्गार हुआ और धरातल पर आया तो इससे हमें जानकारी मिली कि ये लावा जो किस अवस्था में आ रहा है बाहर तरल अवस्था में, तो इसके आंतरिक भाग में कुछ न कुछ पदार्थ है वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। इसके अलावा आज तक वैज्ञानिकों ने सीधा खोज करके आर्कटिक महासागर के द्वीप है कोला द्वीप पे 12 किलोमीटर तक खुदाई करके इसके बारे में जानकारी लगा पाए, और खान के रूप में देखें तो सर्वाधिक गहरी खान किम्बरले हैं जो अफ्रीका की है, उससे भी हमें आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं तापमान घनत्व और दबाव के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। देखो तापमान के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है जिसे तापमान वृद्धि दर कहा जाता है, सामान्य तापमान वृद्धि दर। लेकिन यह वृद्धि दर समान नहीं होती है, ये निश्चित दर से नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे इसकी जो वृद्धि दर है वो घटती जाएगी। तापमान प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। एक डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है तो इसका मतलब आंतरिक भाग में जाएंगे तब तक तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, तो यह दर तो निश्चित नहीं है। इससे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा लाखों डिग्री सेल्सियस में, लेकिन वास्तव में लाखों डिग्री सेल्सियस में पृथ्वी का तापमान नहीं है। तो हमें इन अप्रत्यक्ष स्रोतों से जानकारी से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान 6100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसका भी रीजन है 6100 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्यों है, तो देखो जब तक हम 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तब 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में वृद्धि होगी। और 101 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से तापमान में वृद्धि होगी। और 300 किलोमीटर से आंतरिक क्रोड तक 300 किलोमीटर से लेकर के आंतरिक क्रोड की गहराई कितनी है 6378 किलोमीटर, और यहां तक इसके तापमान की वृद्धि दर रहेगी 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तापमान में वृद्धि। तापमान में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाते हैं तब तापमान में वृद्धि तो होती है, लेकिन वृद्धि की दर है जो निरंतर घटती जाती है।
बात करते हैं दबाव की, दाब की। दाब की बात करें तो ऊपरी चट्टाने हैं जो ग्रेनाइट चट्टाने, औषधि चट्टाने, ऊपर वाली भूपर्वतीय औषधि चट्टाने और उसके बाद में ग्रेनाइट चट्टाने हैं। ग्रेनाइट चट्टानों का दबाव निचली जो बेसाल्ट चट्टाने हैं उस पर पड़ता है और ऊपर की चट्टानों का दबाव निचली आंतरिक चट्टानों पर पड़ने की वजह से अधिक तापमान हो जाता है। दबाव बढ़ने से तापमान अधिक हो जाता है और तापमान अधिक हो जाने की वजह से आंतरिक भाग का जो है घनत्व निरंतर बढ़ने लगता है और घनत्व बढ़ता है तो वो तरल अवस्था में फैल जाती है और तरल अवस्था में फैलने के कारण ही मैग्मा का निर्माण होता है और ये मैग्मा है आंतरिक भाग में श्रवणीय धाराओं के रूप में, तरंगों के रूप में चलता रहता है। तो हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाने पर ऊपरी चट्टानों का दाब निचली चट्टानों पर लगता है, निचली या आंतरिक चट्टानों पर लगता है, आंतरिक चट्टानों पर लगता है जिससे आंतरिक चट्टानों के तापमान में वृद्धि हो जाती है, आंतरिक चट्टानों के तापमान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये वृद्धि दर समान नहीं होती, ये निरंतर गिरती रहती है, यह निरंतर ह्रासमान होती है। निरंतर ह्रासमान होती है क्योंकि अगर इसी दर से तापमान की वृद्धि होती गई तो आंतरिक भाग पूरा का पूरा क्या पिघल जाएगा, तो पिघला हुआ तो संभव नहीं है। तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो घनत्व में क्या होती है, तापमान बढ़ेगा तो घनत्व में वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के भूपृपट्टी से आंतरिक रोड की जाने पर पृथ्वी के तापमान में क्या होगा, तो वृद्धि होगी, लेकिन तापमान की वृद्धि दर समान नहीं होगी, निरंतर गिरती जाएगी। और दाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक प्रत्यास्थता सीमा होती है, प्रत्यास्थता सीमा के बाद किसी भी चट्टान पर ज्यादा दबाव डाला जाए तो उसका दबाव में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक प्रत्यास्थता सीमा के बाद उसके दाब का प्रभाव उसके तापमान और घनत्व वृद्धि में डालता है। अब बात करते हैं आंतरिक संरचना के वर्गीकरण के संदर्भ में IUGG का वर्गीकरण, जो कि सर्वमान्य वर्गीकरण है। IUGG का वर्गीकरण ही वर्तमान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके बारे में एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार से ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसको तीन भागों में बांटा गया, सियाल सीमा निफे। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट। इसमें क्या है, ऊपर वाले ऊपर उठे हुए है वो तो है महाद्वीप, और जो नीचे है वो जल भरा वाले वो क्या कहलाते हैं, महासागर। अब इन परतों को तीन भागों में बांटा, जो स्वेज का वर्गीकरण है वही वाला, सियाल सीमा और निफे में। आयु जीजी ने इनके बीच में
असंबंधता के बारे में बताया, जिसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, CMRGL। देखो इसको यहां पे अप्लाइड करना, C इसके बीच को दो भागों में बांट दिया, M R इसको भी दो भागों में बांट दिया, G और L। जो सियाल वाला भाग है, सियाल को दो परतों में बांटा, ऊपरी सियाल और निचली सियाल, इसको कहा जाता है कॉनराड असंबंधता। किस नाम से जाना जाता है? कॉनराड असंबंधता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही हम सियाल के ऊपरी भाग से सियाल के निचले भाग में जाएंगे तो उसके घनत्व में परिवर्तन होता है, और घनत्व में परिवर्तन होने की वजह से जो भूकंपीय तरंगे हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। कॉनराड महोदय ने यही से पीजी तरंगों की उत्पत्ति बताई। पी तरंगे होती हैं, उनकी गति और पीजी तरंगों की गति में परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन के कारण ही इन्होंने असंबंधता बताई, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी की वजह से ही इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉनराड असंबंधता। फिर सियाल और सीमा के बीच में, ये तो ऊपरी सियाल और ये हो जाएगा निचली सियाल, निचली सियाल। अब निचली सियाल और सीमा के बीच में मोहरोविनस ने असमानता बताई, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया मोहरोनोविस असमानता, असंबंधता। और सीमा को भी दो भागों में बांटा, और सीमा में बांटने वाले थे रेपिडी, इनके नाम पे पड़ गया इसका नाम रेपिडी असंबंधता। सीमा को भी दो भागों में बांटा, ऊपरी और निचली, और इनके बीच निचली सीमा और निपे के बीच में गुटेनबर्ग ने असंबंधता बताई, इनके नाम पे पड़ गया गुटेनबर्ग असंबंधता, गुटेनबर्ग और निपे का वर्गीकरण किया था दो भागों में लेहमैन ने, और इसके नाम पे पड़ गया लेहमैन असंबंधता। इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग को IUGG ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोग्राफी, जियोडेसी एंड जियोलॉजी, ये संस्था है, इसने वर्गीकरण किया था। कितने भागों में किया था इन्होंने? छह भागों में असंबंधता बताई, पांच असंबंधता के माध्यम से छह भागों में वर्गीकरण किया। इन्होंने नाम दिया क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, और इसको दिया ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और इसको दिया क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, इस नाम से इसको जाना जाता है IUGG के अनुसार। इसका ना पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोडेसी। इसके अलावा हमें और जानकारी मिलती है, वो स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जानकारी, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जानकारी। उत्पत्ति संबंधी जानकारी में दो चीज सामने आती हैं, एक तो ग्राणु परिकल्पना, और ग्राणु परिकल्पना देने वाले थे मोल्टन एवं चेंबरलेन, मोल्टन एवं चेंबरलेन।
इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई थी वो ठोस पदार्थों से हुई। कुछ ग्रहण थे, उन ग्रहणों से मिलकर के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसमें ये हमारा सौर मंडल है और उसी का भाग है पृथ्वी। जैसे पहले एक सूर्य था और उसके पास से 13 अरब मिलियन वर्ष पूर्व की बात है, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके पास से एक तारा गुजरा और इस तारा के गुजरने की वजह से इनके गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, दोनों के गुरुत्वाकर्षण के बीच के कारण कुछ ग्रहण हुए, वो एकत्रित हो गए लेकिन एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं हो पाए और बीच में ये ग्रहण इस प्रकार से एकत्रित हुए। और ये किस अवस्था में थे? तो ठोस अवस्था में थे। जैसे ही ये तारा आगे बढ़ता गया तो इनके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता गया और ये इस प्रकार से फैलता गया, और फैलने की वजह से ये ग्रहण अलग अलग खंडों में टूट गए, और अलग अलग खंडों में टूटने की वजह से यहाँ पे ग्रहों की उत्पत्ति होती है। और ये ग्रह फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इस परिकल्पना से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। इसके अलावा एक और परिकल्पना दी थी जेम्स जींस ने, और जेम्स जींस ने एक परिकल्पना दी ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जींस की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार एक सूर्य था और सूर्य के पास एक तारा गुजरा और तारा के गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव के कारण सूर्य से कुछ ज्वार अलग हुआ और ज्वार अलग होकर के, जैसे मान लो इस डायग्राम से समझ लेते हैं इसको भी, ये सूर्य है और सूर्य का एक साथी तारा गुजरा था सूर्य के पास से, ये इस प्रकार से, तब सूर्य से कुछ ज्वार निकला, इस प्रकार से ज्वार निकला। ये ज्वार जैसे ही अलग होने वाला था तब तक ये साथी तारा था जो आगे चला गया, इस वजह से ये ज्वार इस प्रकार से फैल गया और इस फैलने की वजह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और जो छोटे टुकड़े थे जो ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके चारों ओर घूमने लगे वो उपग्रह कहलाए, और बीच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे वो उल्का पिंड कहलाए। इस प्रकार से इस सौर मंडल की उत्पत्ति होती है और इससे हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का उत्पत्ति के समय पृथ्वी आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इस पर वर्षा हुई, वर्षा होने की वजह से ये भाग ठंडे हुए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए, लेकिन इसका आंतरिक भाग वर्तमान में भी तरल अवस्था में बताया जा रहा है। इसके अलावा हमें उल्का पिंड से भी जानकारी मिलती है। उल्का पिंड, से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय उल्का पिंड की भी उत्पत्ति हुई और कई बार पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष उल्का पिंड आ जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उसका ऊपरी भाग तो वो जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ उल्का पिंड धरती पर गिर जाते हैं और धरती पर गिरने के बाद उनपे वैज्ञानिक शोध होता है और वैज्ञानिक शोध होते हैं तो उनसे हमें अधिक घनत्व वाली जानकारी मिलती है और उसमें उससे हमें यह भी जानकारी मिलती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, इनकी जानकारी के लिए वैज्ञानिक शोध किया जाता है और वैज्ञानिक शोध की वजह से हमें जानकारी मिलती है उल्का पिंड के माध्यम से कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है